मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अगर मिनाहिल को कुछ हो गया तो? बड़ी मामा, मिनाहिल को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाएगी। आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आ रही है। मुझे क्या पता था उसका सर टेबल से जाके लगेगा, देखा नहीं था कितना खून बह रहा था। बैठे इधर, आप इधर आए, बैठे इधर, आप इधर बैठे। आपने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? पर ये बात मानेगा कौन? सच है कि मैं मिनाहिल से जान छुड़वाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बेटे के साथ हो। लेकिन इस तरह नहीं, ये लड़की जिंदा थी तब भी मेरे लिए अजाब बनी हुई थी, और अगर ये मर गई तो मेरे लिए और मुसीबत हो जाएगी। आप इतनी टेंशन मत लें वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। अच्छा, तुम हॉस्पिटल फोन करो और पता करो उसकी तबीयत कैसी है। आप परेशान मत हो, मैं डॉक्टर को फोन करके बात करके बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा। महानूर, आ गई तुम? कैसी तबीयत है मिनाहिल की? मिनाहिल को अभी तक होश नहीं आया मामा। होश नहीं आया? शायद सारी गलती मेरी है, बिला वजह की मुसीबत गले पड़ गई। मिनाहिल की ज्यादती पर मुझे खामोश हो जाना चाहिए था। मैंने खामखा बड़ी मामा आपसे शिकायत कर दी और ये सब कुछ हो गया। हमेशा तो मैंने मिनाहिल की हर ज्यादती बर्दाश्त की है, ये भी कर लेती तो कौन सी आफत आ जाती। जब से ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में आई है कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। मामा, फिलहाल तो मिनाहिल बहुत अजियत और तकलीफ में है आपकी वजह से, आप दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने जानबूझ के उसे धक्का दिया है। चाहे सौतेली हो,